बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना का जो परिवार टूटा है पिछड़ा है। भगवान जी प्रायः राष्ट्र हितेशी विश्व हितेशी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं। एक बाबा जो कहता है कि उसे भविष्य का पता है, लेकिन उस बाबा को खुद के भविष्य का पता ही नहीं है। उस बाबा का भविष्य क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज उस बाबा की बात कर लेते हैं कि वो दूसरों का भविष्य बताता है, पर्ची में नाम लिखता है, पर्ची के बारे में सब कुछ बता देता है, कौन क्या करने वाला है, कौन सा देश क्या करने वाला है, सब कुछ वो बता देता है। और वो बाबा इन दिनों सुर्खियों में बेहद फेमस भी होता जा रहा है। उस बाबा ने सारे प्रसिद्धि के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। उस बाबा के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग उसके साथ हैं। उसके साथ लोग क्यों हैं, मैं आज इसके बारे में नहीं बताने वाला। लेकिन उस बाबा को आप पढ़ पाओ, उस बाबा की सच्चाई को आप जान पाओ, इस बारे में मैं इस वीडियो में कुछ मनोवैज्ञानिक हिंट जरूर देने वाला हूं। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आपको इंसानों की या मानव मन की सच्चाइयां गहराइयां बताने के लिए ये वीडियोज अक्सर लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वो बाबा जो भविष्यवाणियां देता है, क्या वो सच्ची होती हैं या वो महज एक तुक्का होता है, सुर्खियों को बटोरने का एक तरीका होता है, ये कैसे पता चले। अभी पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, काफ़ी लोग तबाह हो गए हैं। क्या उस बाबा ने पहले बताया कि भाई पंजाब वालों घर छोड़ करके चले जाओ, यहाँ पर बाढ़ आने वाली है? क्या हिमाचल वालों को ये कहा कि हिमाचल में जाना बंद कर दो, पहाड़ों पर जाना, ऊपर जाना अभी रोक दो, क्योंकि बरसात में पहाड़ नीचे घूमने आ जाते हैं, आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, पहाड़ नीचे आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी? क्या उस बाबा ने ये कहा? लेकिन जब तबाही हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, तब उस बाबा की टिप्पणी आती है कि बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि ये होने वाला है। सीमा सचिन हैदर की लव स्टोरी फेमस हो रही है, अब बाबा ने पहले कहा था कि अभी ये लव स्टोरी फेमस होने वाली, लेकिन जैसे फेमस हो गई है वीडियो आ जाएंगे, मैंने तो पहले ही कहा दिया था, ये तो भगवान है, ये तो चमत्कारी बाबा है, इन्होंने पहले ही कह दिया था। इस बाबा को कुछ भी पता नहीं चलता है। मैं तो ये कहूँगा कि भविष्य के बारे में जानना किसी के बस की बात नहीं है। ज्योतिषी भी इस मामले में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और बाबाओं का तो काम ही मूर्ख बनाना है भाई। जब मूर्ख लोग नहीं बनेंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? आप इस वीडियो को देख करके बहुत नेगेटिव, बहुत उदास, बहुत गुस्सा भी मुझ पर कर रहे होंगे, लेकिन मुझे आपके गुस्से की फिक्र नहीं है, मुझे आपके जीवन की फिक्र है। क्योंकि आप ठगे जा रहे हो, और जो इंसान ठगा जा रहा होता है उसको गुस्सा जल्दी आता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। और मेरा मकसद आपको मनाने का नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए ये वीडियो है, कुछ लोग जो अटके हुए हैं, जो बीच मझधार में हैं, कन्फ्यूजन में है कि क्या सच है क्या झूठ है, तो वो मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प ले रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, वो बच जाएं। जो किनारे पर हैं वही डूबने से बच जाएं, मेरा यही है। जो मझधार में है, जो बाबा की पूरी तरह से गिरफ्त में है, उनको तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, वो तो भाई बाबा की बात माने, उसके पास जाएं, नमन करें, दंडवत प्रणाम रहें, उनके लिए वही अच्छा है। और जो समझे हुए हैं वो वीडियो देखने आते ही नहीं है, कोई इक्का दुक्का आ जाता है तो उसे पहले ही पता है। किनारे की तट पर हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है, वही इससे लाभान्वित होंगे। आप भी समझदार बनिए, इन बाबाओं की झूठी चकनी चुपड़ी बातों में आना बंद करके अपने जीवन को जिए। भविष्य के बारे में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। ये बारिश इतनी ज़्यादा आने वाली थी, मॉनसून इतना ज़्यादा एक्टिव होने वाला था, बाबा ने क्या पहले बताया? भाई IMD भारतीय मौसम विभाग है, उस वो बाबा के पास जाता और कहता भी बाबा जी मॉनसून के बारे में बताइए। चलो अब ये तो बात हो गई, अब ये पूछिए कि कहाँ सूखा पड़ने वाला है, अब आगे कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ ट्रेन हादसा होगा, उड़ीसा में ट्रेन हादसा हो गया, बाबा की वीडियो आ गई भी, बाबा ने पहले ही बता दिया था।
बाबा कुछ नहीं पहले बताता, बाबा बाद में बताता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। हमेशा बाबा पीछे ही रहता है क्योंकि ये बाबा होते ही पीछे ही हैं, इनकी सच्चाई इतनी ही है। तो आप समझदार बन जाइए, इन बाबाओं की चाल पहचानना सीख जाएं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से संबंधित आप पहचान जाएं। मैं फेक बाबाओं से संबंधित, फेक गुरुओं से संबंधित बहुत से वीडियो बना चुका हूं और आने वाले दिनों में और भी बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा बाबा फेक है, कौन सा बाबा असली है, वो चाहते हैं तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा, सबके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए, आप सच का साथ दें, आप समझदार बन जाएं। मैं इतना ही चाहता हूँ।